नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही स्पाइसी और डिलीशियस सी डिश बनाने जा रहे हैं। इसे हम सिंगापुरी नूडल्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें हाई फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 से 2.5 कप हमें पानी ऐड करना है। अब हमें इस कढ़ाई में एक ढक्कन लगा के रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक पानी खौल ना जाए। अब हमारा पानी खौल चुका है, इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हमने इसमें रिफाइंड तेल का यूज़ किया है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे और जब तक हमारी नूडल्स 5 से 7 मिनट में उबल जाएंगी, तब हम इसे निकाल लेंगे एक छन्नी में और पानी से अच्छे वॉश कर लेंगे। अब इस नूडल में हमें 1/2 चम्मच रिफाइंड तेल लगा के थोड़ी देर के लिए मिला के रख देनी है। हमारी नूडल चिपचिपी नहीं होंगी। आइए अब हम सब्जी काट लेते हैं सारी। सबसे पहले हम पनीर काटेंगे। अब मैंने एक रेड चिली ली है, इसे हम काटेंगे। अब मैंने एक अनियन लिया है, उसे हम पतले स्लाइसों में काट लेंगे। अब मैंने एक टमाटो लिया है, उसे भी हम पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। अब मैंने एक कैप्सिकम लिया है, उसे भी हम पतले स्लाइसों में काट लेंगे। कैप्सिकम का हम बीच वाला पार्ट निकाल देंगे, इससे हमें काटने में आसानी होगी। आइए हम इनके लिए सारे इंग्रेडिएंट निकाल के रख लेते हैं। इसे मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें चाउमीन मसाला लिया है, ऑरिगेनो लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, ऑरेंज कलर लिया है, 2 चुटकी मैंने ली है काली मिर्च पिसी हुई, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और अजीनोमोटो लिया है। अब हम उस कढ़ाई को धोकर ले लेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए, तब हम इसमें चिली ऐड करेंगे। अब चिली पकने तक हम इंतज़ार करेंगे। अब हम इसमें अनियन डालेंगे, अनियन को भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जैसे ही हमारे अनियन का कलर चेंज होगा, हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। अब इसे भी हल्का सा चला लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जब ये हल्का सा सॉफ्ट, तब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम बाद में इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो थोड़ी सी क्रिस्पी बनी रहे। अब मैंने इसमें पनीर ऐड किया है, इसे भी अच्छे से चला लेंगे। अब मैंने इसमें ऑरेंज कलर डाला है, ये फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें अगर आपके पास ना हो तो। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाल रहे हैं और अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और साथ ही मैंने इसमें ऑरिगेनो भी डाला है और ये मैंने चाउमीन मसाला डाल दिया है, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना इसे स्किप कर दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से चला लें। लीजिए, हमारी चाउमीन तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।